जय महाकाली दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अघोरी वशीकरण मंत्र के बारे में। अघोरी वशीकरण बहुत ही ज्यादा प्रचंड वशीकरण होता है। इसमें आप जिसके ऊपर भी इस विधि को करते हैं वो पूरी तरह से आपके वश में आ जाता है, चाहे कोई लड़की हो या कोई लड़का हो। जिसके नाम से भी आपने इसे कर दिया, समझ जाइए कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा वशीकरण है जो अगर सही से ना किया जाए तो ये करने वाले के ऊपर गलत असर भी डालता है, गलत तरह की चीजें हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए याद रखें कि जब भी इस विधि को करें तो सही तरीके से ही करें। मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इस विधि को पूरा कर सकते हैं और किसी भी महिला को या लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगी, इतना ज्यादा असर होगा। चाहे आप कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी कोई दोस्त हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आप इसे किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि आप इसे सच्चे मन से करें। किसी का गलत फायदा उठाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अमावस की रात्रि आपको इसे करना है। उसके अलावा आप इसे 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप इसे कर लें। काले रंग का आसन बिछाएं, उसके बाद इस मंत्र को 108 बार बोलें। हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लें और 108 बार इस मंत्र को बोलें। इससे ही इतना ज्यादा प्रभाव होगा उस व्यक्ति पर कि वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चलाएगा। मंत्र को ध्यान से सुने और बिल्कुल सही ढंग से आपको इसका उच्चारण करना है बिना कोई गलती किए। मंत्र है ओम नमस्ते महात्रिकाल दर्शये महा अघोरे अमुकी सशरीरे मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। अमुकी की जगह पर आपको बोलना है उस लड़की का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं। 108 माला करने के बाद जब आप उठेंगे तो थोड़ी ही देर में आपके पास उस लड़की का कॉल आएगा या फिर वो खुद मिलने चली आएगी। इतना ज्यादा प्रचंड और शक्तिशाली आपको मैंने ये तरीका बताया अघोरी वशीकरण का, तो आप इसे एक बार करके देखें। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई और समस्या अगर आपके पास जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या या अपना नंबर बिल्कुल ना लिखें। कोई भी समस्या है तो सीधे हमें कॉल करें और हमसे बात करें। धन्यवाद।